भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है, लेकिन दुखद है इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं, लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की, उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस सदन से इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और पेंशन की।